तो भाई अभी लीगली हम लोग वियतनाम में एंटर हो चुके हैं, और क्या कहते हैं इमिग्रेशन भी बहुत। तो भाई अभी लीगली हम लोग वियतनाम में एंटर हो चुके हैं, और क्या कहते हैं इमिग्रेशन भी बहुत सिंपल हो गया। वीज़ा दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। अब मैं जा रहा हूँ अपना बैगेज लेने के लिए, तो वो आ रहा है घूम के। तो भाई मैं वियतनाम, वो दिल्ली से वियतनाम आ रहा था, तो मुझे दो भाई मिले हैं पंजाब से, तो वो भी आए हैं। भाई आपका नाम क्या है? दीपक। और आप मतलब यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हो? 7 दिन के लिए। और भाई आपका नाम क्या है? राजेश। अब भी 7 दिन के लिए? चलो तो बस अब हम यहाँ से बैग लेके अब चलते हैं अपने अपने होटल। तो भाई ये है पूरा का पूरा हो ची मिन्ह सिटी का एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, और यहाँ पे बजट एयरलाइन ही चलती हैं। तो भाई मैं अभी आया हूँ अपने एटीएम से कैश निकालने के लिए। नेक्स्ट। तो भाई मैंने यहाँ पे सिम निकाल कैश निकाल लिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सिम लेने के लिए। ये जो मेरी करेंसी है, मैं 10 लाख रुपीज़ निकाले थे, ये 5-5 लाख के दो नोट हैं, और अब मैं यहाँ पे ये सिम ले रहा हूँ। मेरा जो कनेक्शन है वो है 230,000 और 6 GB पर डे हाई स्पीड इंटरनेट। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई मैं हूँ अभी वियतनाम के जो हो ची मिन्ह सिटी है उसके एयरपोर्ट पे, और अभी मैंने कैब बुक की है और मैंने करेंसी निकाली थी, वो तो मैंने आपको दिखाई थी कैसी है, 10 लाख डॉन निकाले थे। अब वो चार्ज कितना कटा है वो मैं आपको बाद में स्क्रीन शॉट पे डाल दूंगा, जो स्क्रीन आ रही है कि कितना चार्ज कटा मेरा, कितना क्या मेरा क्या मुझे कन्वर्सेशन रेट पड़ा है। तो मुझे जो दो लोग मिले थे उनके साथ मैं जा रहा हूँ, उनका होटल भी वहीं है, बट वो स्टे करेंगे साथ मेरे हॉस्टल में। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं हॉस्टल के लिए। हमने ये कैब बुक की है, 89,000 डॉन की पड़ी है, जो तीनों में वो हो जाएगा, तो काफ़ी सस्ती पड़ी है, मतलब 30,000 रुपये पर पर्सन के लिए ये कैब हमें पड़ गई है। तो बस अब हम जो हमने कैब बुक की थी वो हमने ऑफिसर से बात करवाई है, तो वो आ रहा है अभी बस। पीछे वाला बैग आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। We'll be right back.
आते हैं तो सीधे हाथ पे, बट यहाँ पे जो है वो उल्टा है। तो मैं अभी राइट हैंड साइड पे बैठा हूँ आगे कार में, लेफ्ट हैंड में ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है, और ये है हो ची मिन्ह सिटी।